मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन दबाएं और मेरी सभी नई वीडियोस की जानकारी के लिए बेल वाला बटन दबाएं। आर्ट्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम फैब्रिक पेंटिंग करेंगे प्लेन कुर्ती पर। उसके लिए मैंने ये प्लेन कपड़ा लिया है कुर्ती के लिए और इसे हमने मार्क भी किया हुआ है एक कुर्ती की लेंथ के लिए। ये देखिए, यहाँ पर ये मार्क किया हुआ है। सबसे पहले हम इस पर ये डिज़ाइन ट्रेस करेंगे। ये ड्रेस की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अब इसे हम आराम से हटाएंगे। ये देखिए, हमारा डिज़ाइन इस पर ट्रेस हो चुका है। ये सूखने के बाद और अच्छे से नज़र आएगा। अब ये गीला है तो ढंग से नज़र नहीं आ रहा है। इसे ट्रेस करते समय फ्रेंड्स, हमें एक बात का ध्यान रखना है। यदि हमारा ये कपड़ा है, ये डार्क कलर है, तो हमें टैल्कम पाउडर यूज़ करेंगे। यदि कपड़ा लाइट कलर है तो हम उसके लिए कोई दूसरा कलर यूज़ करेंगे। और हमें ड्राई कलर ही लेना है उसमें मिट्टी के तेल के साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ड्रेस अब सूख चुकी है और ये डिज़ाइन अब उभर के नज़र भी आ रहा है। अब फ्रेंड्स, हम इसमें कलर करने से पहले ये फ्रेम फिट करेंगे। देखिए, मैंने फ्रेम इसे फिट कर दिया है। तो सबसे पहले हम पूरे डिज़ाइन की आउटलाइंस कर लेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम अपने पूरे डिज़ाइन की आउटलाइन कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपने डिज़ाइन पर आउटलाइन कर ली है। अब हम इसमें ये फ्रेम फिट करेंगे और इसमें स्टॉक डालेंगे। देखिए मैं फ्रेम फिट कर लिया है और ये कपड़ा देखिए बिल्कुल टाइट है, ये लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर ये लूज़ होगा तो हमारी स्टॉक अच्छे से नहीं डलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको गाढ़ा कलर लगता है तो आप इसमें पानी नहीं मिलाएंगे। ये देखिए मीडियम है, हम इसमें मीडियम मिक्स करेंगे। यदि आप पानी मिलाएंगे तो कलर आपका धोने के बाद कपड़े से छूट जाएगा। और स्टॉक डालने के लिए ज़्यादा गाढ़ा कलर नहीं लेना है। ये देखिए ये लीव्स है, इसमें हमने यहाँ बीच में ये छोटी सी लाइन बनाई है, यहीं पर हम स्टॉक डालेंगे। ये देखिए हमें ब्रश को इस तरह से स्ट्रेट रखना है और इसे यहाँ पर टच करते हुए हल्का सा उठाना है इस तरह से। स्टॉक डालते समय हमें ब्रश में कलर बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत हल्का सा कलर लेना है हमें। ये देखें इसी तरह से हमें बाकी लीव्स में भी स्टॉक डालने हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने लीव्स में स्टॉक डाल दिए हैं। इसी तरह से हम बाकी लीव्स में भी स्टॉक डालेंगे। अब यहाँ पर फ्लावर है, इसमें भी हम स्टॉक डालेंगे। देखिए ये वाली फ्लावर की वाली पत्ती है, यहाँ पर हम इस यहाँ पर स्टॉक डालेंगे और यहाँ पर ये बीच में छोटी सी लाइन हमने दी हुई है, इसमें हम अलग से स्टॉक डालेंगे नीचे पर। और स्टॉक डालते समय हमें डिज़ाइन की शेप का ध्यान रखना है। ये देखिए इसी तरह से हम इसमें ये दोनों तरफ से स्टॉक डालेंगे इस तरह से।
देखिए इसी तरह से हम यहाँ पर भी डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लावर में भी हमने स्टॉक्स डाल दिए हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने ये आधी यहाँ तक लीफ तक दोनों तरफ से स्टॉक डाले हैं, बाकी हमने एक तरफ डाले हैं। इसमें हमने दोनों तरफ डाले हैं, यहाँ भी हमने दोनों तरफ डाले हैं, और इसमें हमने एक तरफ से स्टॉक डाले हैं। ये देखिए इसी तरह से हम बाकी डिज़ाइन में भी स्टॉक्स डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टॉक डालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, पहली बार स्टॉक का डिज़ाइन बना रहे हैं, तो आप मेरी पहली वीडियो भी देख सकते हैं जिसे मैंने स्टॉक डालने सिखाए हुए हैं। उसका लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डिज़ाइन अब कंप्लीट हो गया है। हमने स्टॉक्स डाल दिए हैं पूरे डिज़ाइन में। ये देखिए, आप चाहे तो इसी तरह से नेक पर भी बना सकते हैं, ये कुर्ती के फ्रंट में आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।